एक प्रश्न और मेरे पास आया है, उसमें ये पूछा गया है कि मैंने भगवान का नाम जप रही हूँ, 1 लाख नाम जप लिया, 64 माला करने के बाद भी मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ, मैं अपने ही बारे में सोचती हूँ, मेरा क्या कभी उद्धार नहीं होगा, मेरे लिए क्या कोई होप्स नहीं है लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक दिन आप 64 माला कर लेते हैं, एक दिन आपने 1 लाख नाम ले लिया, उससे आपको ये क्यों लगता है कि आपको एक ही दिन में आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, या आप सेल्फ सेंटर नहीं रहेंगे, या आप महान भक्त बन जाएंगे, एक ही दिन में कैसे हो सकता है? हरि नाम तो एक बार मुंह से उच्चारण करते ही सारे पाप तो कट ही गए, जीव के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है एक बार नाम उच्चारण। फिर भी जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां हैं बुद्धि में, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, वो सब नाम लेने से ऑल तो सब धुल गए, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है? आपको पहुंचना है कृष्ण प्रेम तक। इसीलिए तो हम नाम का जप कर रहे हैं, 1 लाख का नाम का जप जब आप कर रहे हैं, 64 माला जब आप कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं, और कृष्ण प्रेम पाने में समय लगता है। एक झटके के साथ एक दिन में 64 माला कर लेने से आप कृष्ण प्रेम नहीं पा लेते। आपको हर वक्त हर घड़ी 24 घंटे नींद में सोते जागते नाम लेना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। 64 माला पे रुकना नहीं होगा, नाम जब आपको कृष्ण प्रेम तक लेके जाएगा। इस भरोसे के साथ जब कीजिए, एक ही दिन में जादू नहीं होता, एक ही दिन में आपको सारे गुण नहीं मिलते। प्रारब्ध है वो तो परेशान करेगा,